दोस्तों द न्यूज़पीक के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। सुदर्शन समाचार टीवी के मुख्य संपादक सुरेश चमवाड़के ने अंबागढ़ दुर्ग में मीणाओं के ऐतिहासिक स्थल के साथ छेड़खानी के मामले में चैनल के एक शो के दौरान अभद्रता का परिचय देते हुए मीणाओं को गाली दी है, कमीने जैसे एकदम आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है। देखिए उनकी ये वीडियो। बहुत देखने वाले आ गए। एक्चुअली सुरेश चमवाड़के को जो धमकी दे रहा है ना, जिहादी मेरा कभी कोई उखाड़ नहीं पाए। इस बार उनको लग रहा है कि मीणाओं के कंधे पर बंदूक रखकर सुरेश चमवाड़के का कार्यक्रम करेंगे। अरे भगवे के लिए अगर बलिदान होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं तैयार हूँ, भले मुझे पता है कि तुम्हारे पीछे जिहादी है, लेकिन मीणाओं ध्यान रखना। हालांकि फर्जी मीणा है, जब मैं इस झंडे तिरंगे के विरुद्ध बोलना, भगवे के विरुद्ध बोलने वाले मीणाओं का पक्ष कहता हूँ तो कमीना समझ लेना, और इसलिए ये कमीना ध्यान रखना, तुम्हारे कंधे का दुरुपयोग इतिहास में भी जब जब जिसके कंधे का दुरुपयोग हुआ उसका अंत हुआ। बहुत सारे बहुजन एक्टिविस्ट ने जमकर भर्त्सना करते हुए सुरेश चमवाड़के की गिरफ्तारी की मांग करी। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन चुका है अरेस्ट सुरेश चमवाड़के। एक्टिविस्ट हंसराज मीणा दिल्ली, यूपी और राजस्थान पुलिस को टैग करते हुए लिखते हैं, सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चमवाड़के राजस्थान की मीणा जनजाति के बारे में अपमानजनक भाषा प्रयोग करके बोलता है, जब मैं मीणा बोलूँ तो कमीणा समझ लेना। इस व्यक्ति पर अभी तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज शाम तक इसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। वही राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष प्रशांत कनौजिया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को शिकायत पत्र लिखकर कहा है कि सुरेश चमवाड़के के खिलाफ जल्द से जल्द SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज होना चाहिए। ट्विटर यूजर हरजेंद्र सिंह ने लिखा कि सत्ता के समर्थन से ये मीडिया का गुंडा बच जाता है, वरना किसी भी लोकतांत्रिक देश में इसकी जगह जेल में है। मुसलमान जिहादी हैं, सिख खालिस्तानी, हिंदू विरोधी हिंदू गद्दार हैं, और आदिवासी हैं तो अरबन नक्सल राक्षस हैं। देश की 70% आबादी को नीचा दिखा रहे हैं संघवाद के एजेंडा के लिए। तो पूरा मामला कुछ ऐसा है कि अंबागढ़ दुर्ग में युवा शक्ति मंच नामक एक संगठन ने मीणाओं के इतिहास को बदलने की कोशिश करते हुए मीणाओं का झंडा हटाकर वहां भगवा झंडा लगा दिया था। इसके अलावा अंबा माता मंदिर का नाम बदल दिया और वहां शिव व गणेश की पुरानी मूर्तियों को खंडित कर नई प्रतिमाएं रख दी थी, जिसके बाद विधायक रामकेश मीणा ने किले से भगवा झंडा उतारा। इसी दौरान झंडा फट गया, जिसके बाद से विवाद में RSS और संघीवादियों की एंट्री हो चुकी है। इसी को लेकर सुरेश चमवाड़के ने 1 अगस्त को अंबागढ़ किले में भगवा झंडा फहराने की धमकी तक दे दी है। सुरेश चमवाड़के अपने शो में मुस्लिम, दलित, आदिवासियों के खिलाफ अक्सर आपत्तिजनक टिप्पणी और नफरती भाषण करते नजर आते हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहता है। हर चीज़ को जिहाद से जोड़ देते हैं ये। तो हमारी मांग है, इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार ज़रूर करना चाहिए। इनके खिलाफ SC/ST एक्ट में केस होना चाहिए। इनको जेल में सड़ना चाहिए, ऐसे नफरती इंसान को। तो आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, सबको इस न्यूज़ के बारे में अवगत ज़रूर कराइए, इस इंसान के बारे में अवगत ज़रूर कराइए। तो साथ ही हमारे चैनल द न्यूज़पीक को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो करें हम तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए। शुक्रिया।